इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीकांड पर अधिवक्ताओं का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। पूरे यूपी में अधिवक्ता कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आज बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के निर्देश पर यूपी के बहराइच जिले में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने न्यायालय के बाहर उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। अधिवक्ता हापुड़ में हुई घटना पर सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाने से काफी नाराज थे। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के बहराइच जिला अध्यक्ष गया प्रसाद मिश्रा ने बताया कि हापुड़ में हुई घटना पर हम लोगों की मांगे नहीं मानी जा रही। जब से हम लोगों की जायज मांगे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, ना कि सरकार सुन रही है, ना कोई हमारी आवाज सुन रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के निर्देश पर यूपी सरकार का पुतला फूंका है। हम लोगों की मांगे पूरी करी जाए। आज आप लोग द्वारा पुतला फूका गया, किसका फूका गया है और क्या मांगे हैं इसके लिए? ये उत्तर प्रदेश की सरकार का पुतला फूका गया है और ये पुतला फूका गया है क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से आंदोलित हैं। हमारी मांगे सरकार के समक्ष रखी गई, जिसको कि पूरा नहीं किया, और ये और जो है ये मांगे हमारी बार काउंसिल ऑफ यूपी के द्वारा रखी गई हैं और बार काउंसिल ऑफ यूपी के निर्देश पर हम लोग आज पुतला फूका। क्या घटना हुई थी सर और प्रमुख मांगे क्या हैं? आप प्रमुख मांगे तो हम मेमोरेंडम में आपके जो है दे देंगे, आपको भी कर दिया था मैंने। मांगे हमारी बहुत जायज और सही मांगे हैं, अधिवक्ताओं से और केवल अधिवक्ताओं के संबंध की मांगे। फूका गया है हापुड़ की घटना से शुरुआत की। घटनाएं तो बहुत हो रही हैं, पूरे प्रदेश में हो रही हैं। पुलिस प्रशासन जो है निष्क्रिय हो चुका है, रखने पर आवाज़ उठाने पर भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है, न सरकार को न शासन को न प्रशासन। मेरा नाम पुष्पांजल राम मिश्रा है, मैं जिला बार एसोसिएशन बहराइच का मुख्यमंत्री हूँ। आज शव यात्रा निकाली गई है और शव दहन किया गया है, क्या है पूरा मामला? 28 तारीख को 28-8 तो हमारे हापुड़ में कुछ अधिवक्ता शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, जिनमें पुलिस के द्वारा हमारे महिला अधिवक्ता एवं अधिवक्ता बंधुओं को बर्बल लाठीचार्ज किया गया था। जिस संबंध में हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने इधर 10 दिन से उनकी मांगे मानी, जिन्होंने दिशा निर्देश दिया था और मांगे जो हमारी मांगी गई थी वो हम सरकार से शांतपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाकर मांग रहे थे। हमारी पहली मांग ये थी कि जो हमारे अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई है वो वापस हो जाए, और वहाँ जो हापुड़ में जितने पुलिसकर्मियों ने हमारे अधिवक्ताओं के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज किया था बर्बरतापूर्वक, उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई, और वहाँ के पूरे पुलिस प्रशासन को और DM को वहाँ से उनका स्थानांतरण किया जाए। ये मांगे नहीं मानी गई और हमारी बार काउंसिल की ये मांग थी, दो दिन दिया गया था कि सरकार बुलाकर वार्ता नहीं करती है तो आगे की रणनीति बार काउंसिल 8 बजे बैठकर रात तय कर रही है, जो भी दिशा निर्देश देगी कल हम लोग उस पर पालन करेंगे। आज शव यात्रा निकाली गई है और किसका पुतला दहन किया? हमारे बार काउंसिल का ये निर्देश था कि आज रात सरकार का पुतला फूंका जाए। आज हमारे यहीं कचहरी परिसर से उनकी शव यात्रा निकली और यही कचहरी प्रांगण में आज स्वागत किया गया है, आगे की किया जाएगा। धन्यवाद। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज,
देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।